हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेन टीजर का कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल टू 4xy + 3y का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ है, अब इसको देखो कैसे करते हैं, ध्यान से आप देखिए। अब इधर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम अगर बोलें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट क्या होता है ए माइनस बी, इस डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स। इस आइडेंटिटी का यूज़ से हम क्या करेंगे, इस साइड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा हमारे पास अगर ए का काम कर रहा है, ए पूरा का पूरा क्या बी का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है दिस इज इक्वल टू 4xy - 4xy + 3y, ठीक है। हमने क्या किया, एक ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी मतलब ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए आपका सेकंड टर्म है, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी मीन्स 4xy + 3y - 4xy। और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो ये चूँकि निगेटिव यहाँ पे है, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो गया 3y, ठीक है। तो आपके पास दो ब्रैकेट में ये चीज़ मिल गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव 3y है, यहाँ पर क्या हमारे पास निगेटिव 3y है, तो यहाँ से क्या क्या मिल गया, 4xy और 4xy, कितना 4x8xy मिल गया, ठीक है। और इधर देखो क्या कटने वाला है, 4xy + 3y, और यहाँ पर -4xy + 3y, देखो 4xy से 4xy यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ क्या मिल रहा है, 3y कितना 6y। तो पहले वाले ब्रैकेट में हमें क्या मिल रहा है, 4xy + 4xy मीन्स 8xy यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, 3 और 3 कितना 6y मिला है, ठीक है। तो उसको हम नोट कर ले रहे हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या मिला था, 4 कितना हुआ 8xy, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला था हमें 3 3 6y, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, xy² k, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना 6 का 8 उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 8 = 48, तो 48 एक्स वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई xy². इधर हमारे पास क्या आ गया, xy² k, xy² k = 48xy², ठीक। अब यहाँ पे हम इसको अगर अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि 48xy², इधर क्या हमारा xy² k। या ध्यान से अगर आप इसको लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, xy² 48, अगर हम लिखें ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इधर क्या आ गया xy² k। अब ध्यान से आप देख रहे हैं कि xy² कोएफिशिएंट इधर क्या k है, और इधर xy² कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 48 है, ठीक है। तो 48 किसके जगह पे है, k की जगह पे है, तो ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट k = 48। अगर दोनों तरफ के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे कि x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें एक साइड k मिल रहा है, दूसरे साइड 48 मिल रहा है, तो दोनों तरफ के ये xy² के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, k = 48 मिल जाता है, ठीक है। तो 48 हमारा क्या आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि a² + b² = 9, ab = 4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दिया, 3a + b² और -2a - b² ठीक है। ए हमें निकालना है और दिया गया हमारे पास a² + b² = 9 दिया है, ab = क्या दिया हमारे पास 4 दिया है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a² + b² = 9
ए बी स्क्वल टू कितना दिया है 4, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे कितना 9 दिया है और ab बराबर कितना दिया 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू 4, 4 टू जाए कितना होगा 8, तो 9 प्लस 8 कितना 17। तो फर्स्ट हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 17 मिल गया, ठीक है। हाँ तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलता है, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 9, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना मिल गया 1 मिल गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना मिल गया हमें 17 मिल गया था। अब ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू 17 जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 17 है, माइनस 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 1 आया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 इंटू 17 कितना 51 हो गया और 2 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, तो 51 माइनस 2 कितना 49 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू आसानी से हम निकालेंगे, हमारे पास ये दोनों चीज़ें दी हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये सब चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ए दिया है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 64, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ करने के लिए हमारे दिमाग में चलना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, जो आइडेंटिटी है। तो क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऑफ द दिस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमारी आइडेंटिटीज हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है, हमें निकालना क्या, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि वैल्यू को फुट कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हमारे पास 12 दिया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब देखो इसका कंबाइंड रिजल्ट कितना दिया 64 दिया, इक्वल टू 64 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसको अगर हमने कैपिटल एक्स मान लिया तो हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 144 माइनस 64 इक्वल टू 2x, ऐसा हो सकता है। तो मेरे पास क्या हो गया 12x इज इक्वल टू 144 माइनस 64। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0, और इधर कितना हो गया हमारा अगर देखें तो मिला 14 में से 6 निकाले कितना है 8, तो 2x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू कितना मिला 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40। अब जो x की वैल्यू है ये हमारी क्या रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, दिस इज वैल्यू ऑफ द x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ 40, ठीक है। तो आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 40 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से आप इसको बहुत ही केयरफुल होगी आप देखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके।